हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं समर स्पेशल केसर पिस्ता कुल्फी। बनाने में बहुत ही आसान है और केसर पिस्ता कुल्फी तो सभी की बहुत फेवरेट होती है। तो फ्रेंड्स, आइए केसर पिस्ता कुल्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। केसर पिस्ता कुल्फी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देंगे हम आधा लीटर दूध, यानी कि 2 ग्लास दूध। दूध हमने यहाँ पे फुल क्रीम लिया है। केसर पिस्ता कुल्फी बनाने जा रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे लिया थोड़ी सी केसर। इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे और दूध में डाल देंगे। साथ ही हम डाल देंगे 4-5 बारीक कुटी हुई इलायची। अगर आपको इलायची फ्लेवर पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिए। दूध को अच्छी तरह से हिला लेंगे, बॉइल होने का वेट करेंगे। दूध बॉइल होने लग गया है, गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और दूध को गाढ़ा होने के लिए रख देंगे। हमने लिया है एक पैन, और पैन में हम डाल देंगे 1 कप फ्रेश क्रीम। आप फ्रेश क्रीम की जगह ताजा दूध की मलाई भी ले सकते हैं। 2-3 दिन के दूध की मलाई आप इकट्ठी करके और उसको फैट करके यूज में ले सकते हैं। साथ ही हम डाल देंगे 1/2 कप दूध, फ्रेश क्रीम और मिल्क डालने के बाद में हम डाल देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। वही कप है, हमने एक ही कप से सभी चीजों को नाप लिया है। घर में इंस्टेंट मावा बनाने का बहुत आसान तरीका है। इस तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि नीचे दूध चिपके नहीं। गैस के फ्लेम को हमने मीडियम किया हुआ है। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हिला लेंगे। देखिए कितना आसानी से हमने घर पे मावा तैयार कर लिया है। इससे हमारी केसर पिस्ता कुल्फी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। देखिए मावा बनके बिल्कुल रेडी है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और मावे को ठंडा होने देंगे। केसर पिस्ता कुल्फी के लिए दूध भी बिल्कुल रेडी है, कलर भी बहुत अच्छे से आया है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। हम यहाँ पे डाल रहे हैं 4 चम्मच चीनी। जो रूटीन में जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं, हमने उसी चम्मच से चीनी ऐड की है। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी दूध के अंदर अच्छी तरह से घुल जाए, चीनी के दाने नहीं रहें। आप चाहें तो इस स्टेज पर टेस्ट भी करके देख सकते हैं। अगर आपको मीठा कम लगता है तो आप इसमें चीनी और ऐड कर सकते हैं। देखिए चीनी दूध के अंदर घुल चुकी है। आइए अब हम तैयार किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच क्रश किया हुआ पिस्ता, 1 चम्मच क्रश किए हुए काजू, 1 चम्मच क्रश किए हुए बादाम। आप ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कुल्फी के लिए कितना बढ़िया दूध बन के तैयार हुआ है। अब हम डाल देंगे तैयार किया हुआ मावा। हमने यहाँ पे सारा मावा नहीं डाला है, आधा ही डाला है, क्योंकि आधा मावा मैं दूसरी रेसिपी बनाऊंगी उसके लिए मैंने बना लिया है। मावे को दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। केसर पिस्ता कुल्फी के लिए हमने दूध में मावा मिक्स कर दिया है। देखिए दूध बहुत बढ़िया से तैयार हो गया है, काफी गाढ़ा भी हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और दूध को ठंडा होने देंगे। देखिए दूध ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा हो गया है। कुल्फी बनाने के लिए दूध एकदम रेडी है। आइए इसको मोल्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। सभी मोल्ड हमने फिल कर दिए हैं। हमने यहाँ पे फॉइल के पीसेस करके रखे हैं, इससे हम कप को कवर कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा सकते हैं, वरना आप इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम रखते हैं तो इसको हमें सर्व करने में बहुत आसानी होती है। इसको हम कट करके भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें इस तरह से कट लगा दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी आइसक्रीम बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। कितनी बढ़िया से हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। अब हम कुल्फी को मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। कुल्फी को मोल्ड से बाहर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप इसको दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से ले लें और इस तरह से इसको घुमाएंगे, रोल करेंगे तो अपने आप
कुल्फी जो है हमारी लूज हो जाएगी और बाहर आ जाएगी। ये देखिए कितना आसान तरीका है, तो इस तरह से गोल गोल घुमाने से देखिए कितनी बढ़िया केसर पिस्ता कुल्फी बन के रेडी हुई है। इसी तरह से हम सारे मोल्ड में से कुल्फी को बाहर निकाल लेंगे। हमने केसर पिस्ता कुल्फी को सर्व भी कर दिया है, लुकिंग में बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो फ्रेंड्स, केसर पिस्ता कुल्फी बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।